बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अवकाश साहब और आप देख रहे हैं कंडीशन रुक चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है एजुकेशन के हवाले से हम फौरन आपके साथ शेयर करते हैं और क्वाल वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, जैसे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इंशाल्लाह दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे और इसके साथ साथ तलीमी इदारों की छुट्टियों के हवाले से भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को अच्छे से कामयाब करें और आपके ऊपर आपके वालिद का साया सलामत रखे, आमीन आमीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वफाकी वज़ीर तालीम ने अपने एक बयान में तलीमी इदारे एक बार फिर बंद करने का अंदिया जो है वो दे दिया है। शफकत महमूद ने ऐलान किया कि अगर मौसमी हालात ख़राब हुए तो स्कूलों में छुट्टियाँ कर दी जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब से हमने कोरोना वबा फैली है हमने सारे फैसले जो है बैनुसूबाई तलीमी कॉन्फ्रेंस के तहत किए हैं और आप भी मिलकर करेंगे। हर सूबे के हालात मुख्तलिफ हैं लेकिन अमूमी तौर पर हालात मजीद ख़राब ना हों तो तलीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे, अगर मौसमी हालात ख़राब हुए तो स्कूलों में छुट्टियाँ कर दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि हमारी ये ख्वाहिश है कि तलीमी इदारे बंद ना किए जाएँ, अगर हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं तो फिर इस सूरत के अंदर तलीमी इदारे बंद करने पड़ेंगे। और बाकी अगर उनकी आप उनकी ज़बानी अगर ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना चाहते हैं, शफकत महमूद साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मेरा दूसरा चैनल है वकास अहमद के नाम से, इधर आपको जो है शो हो रहा होगा चैनल, आपने जो है यूट्यूब पे जाके लिखना है वकास अहमद, दूसरा मेरा चैनल आ जाएगा, तो वहाँ पर जाके भी आप जो है उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप उनकी ज़बानी भी सुन सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख दूँगा और पिन भी कर दूँगा कमेंट्स के अंदर। तो आप जो है अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप जो है वकास अहमद सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी ज़बानी भी सुन सकते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट आने वाली है और भी बहुत ज़्यादा बोर्ड के हवाले से, इम्प्रूवमेंट के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, तो सारी अपडेट जो है इसी चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर की जाएंगी। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करें और चैनल को ज़रूर बच्चों सब्सक्राइब कर लो, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी आपको वक्त के साथ साथ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।